Good morning, class 6. A very good morning to all of you. Hope you all are very fit and fine. Yes, students, today we are going to discuss chapter number 10. That is very important. Traders, King and Pilgrimage. Yes, इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे किसके बारे में, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, किंग्स आप सब जानते हो वेरी वेल, एंड पिलग्रिम्स, यस पिलग्रिम्स यानी कि यात्री, यात्रियों के बारे में, कैसे यात्री, वो बेसिकली तीर्थ यात्री या कैसे यात्री वो बाद में बात करेंगे. ओके, सो ये चैप्टर जो है नंबर 10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड फर्स्ट वन इज द How to find about the trade and traders. बिल्कुल बहुत ही important question है. How to find about the trade and traders. यानी trade के बारे में कैसे हम जानते थे, कैसे पता लगाते थे, कैसे ढूंढते थे, and also in traders के बारे में, right? Next one is the new kingdom along the coast. Yes, हम इसके बारे में आज जानेंगे कि जो नए नए kingdoms थे, जो कि coast यानी कि तटीय इलाकों से जो जुड़े हुए थे, राइट right? उसके बारे में बात करें, उसकी क्या खासियत थी उस किंगडम्स की, वो क्या क्या चीजें हुआ करती थी जो कि बेसिकली कोर्स से रिलेटेड थे. ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाई स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. यस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, वी नो लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द सिल्क रूट. सिल्क रूट एक्चुअली क्या था, कैसे है, इसके बारे में क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड थी, सिल्क रूट क्यों नाम पड़ा, क्या है सिल्क रूट में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. After that, a quest of pilgrimage and the beginning of bhakti. Yes, ये सारे topics हम लोग one by one आज discuss करेंगे. So let's start chapter number 10, that is from your history book, and the chapter name is Traders, King and Pilgrims. Okay, let's see. Our first topic is how to find about the trade and traders. So देखते हैं कैसे trade और traders के बारे में खोजा गया, पता लगाया गया. Let's see. You read about the northern ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 9. यस, चैप्टर नंबर 9 में अभी आपने ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में आपने पढ़ा था. दिस फाइन पोएट्री स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट वेयर फाउंड इन सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. पूरे कॉन्टिनेंट में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर साइट थे, राइट, जहां पे आप बेसिकली कुछ ऐसे चीजों को हम लोगों ने ढूंढा था, हम लोगों ने, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इसके बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे वहां पे. कौन कौन सी चीजें, तो बेसिकली पोएट्री फाइंड, पोएट्री मिले थे, क्या थे वो पोएट्री मिले थे, दैट इज बॉल एंड प्लेट्स. हाँ, मिट्टी के बर्तन हमें बहुत सारे मिले थे, हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में. लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक इट रीच टू द प्लेस. हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस. क्या आपको लगता है कि जितने भी चीजें, वो मिट्टी के बर्तन जो जमीन के अंदर दबे हुए थे, जो आर्कियोलॉजिस्टों ने ढूंढ कर निकाला, वो एंटायर सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां कई जगहों पे देखने को मिलते थे, आखिर में वो उस जगह तक पहुंचे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं. कहता है, ट्रेडर्स मे हैव कैरीड देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर दे where they were made to sell them and other places. बिल्कुल सही बात है, ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे, अक्सर उन्हें अपने साथ कैरी करते थे, एक जगह दूसरी जगह लेके जाया करते थे, जब उनकी जरूरत पड़ती थी उन्हें बेचते थे, अपने साथ उसका इस्तेमाल करते होंगे और करते रहे थे. ठीक है, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली पीपर एंड प्रीसियस स्टोन. हाँ, दक्षिण भारत जो है इन सारी चीजों के लिए विख्यात है. कौन कौन सी चीजें हैं आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, साउथ इंडिया की बात हो रही है, फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस यानी मसाले, उसमें से भी मसाले में पीपर, यस, एंड द प्रीसियस स्टोन और बेस कीमती पत्थरों के लिए भी साउथ इंडिया को जाना जाता है. पीपर वेयर पर्टिकुलर वैल्यू इन द रोमन एम्पायर, सो मच ऑफ दैट वाज नोन द ब्लैक गोल्ड. और जो पीपर है, जो काली मिर्च जो होती है, बेसिकली उसका जो रिक्वायरमेंट जो था बहुत ज्यादा था रोमन एम्पायर में, जिसकी वजह से उसे काला सोना भी नाम दिया गया, काला सोना के नाम से भी जाना जाने लगा. So traders carried many of these goods in Rome in ship across the sea and by the land and in caravan. Yes, जिसकी वजह से उसे काला सोना नाम दिया गया, कहाँ, रोम में. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स क्या करते थे, इन सारी चीजों को, ये बेस कीमती चीजें लाइक पीपर्स की बात करें, स्पाइसेस की बात हो रही है, उसे अपने साथ लेकर जाया करते थे समुद्री रास्तों से. ठीक है, या फिर कभी कभी
लैंड यानी कि जमीनें भूमार्ग से जाया करते थे। कारवा, कारवा यानी कि पूरे झुंड में एक साथ वो साथ चलना, दैट इज कारवा। एक उनकी टीम निकलती थी, एक ट्रेडर्स की मतलब एक काफिला निकलता था कह सकते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वो बेसिकली ब्लैक गोल्ड लेकर जाया करते थे, तो ब्लैक गोल्ड का डिमांड रोम में बहुत ज्यादा था। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेडर एज मेनी रोम गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, और जिसकी वजह से दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में बहुत सारे गोल्ड कॉइन ढूंढे गए थे जो कि रोमन के गोल्ड कॉइन थे, जिसकी वजह से वो रोम में जाते थे और ये सारी चीजें वहां बेचते थे, बदले में वहां के सोने के सिक्के लेकर आया करते थे साउथ में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में अक्सर रोम के सोने के सिक्के भी देखने को मिलते थे, ठीक है। आगे कहता है ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दिस फॉलोड बाय दिस कोस्ट, देयर वेर अदर रूट्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हाँ, ट्रेडर्स बहुत सारे रास्तों का उन्होंने खोज किया और वो बेसिकली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सबसे ज्यादा व्यस्त जो मार्ग हुआ करता था उनका, ठीक है। देयर वेर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। बिल्कुल सही बात है, ट्रेडर्स एक बहुत ही अच्छे और नायाब तरीके को अपनाते थे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्री रास्तों से। कैसे? वो मॉनसून के मौसम का बहुत ही सटीक फायदा उठाते थे, जिसके वजह से वो हवा के बहाव के साथ उनका जो शिप है वो बह के एक जगह दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाता था। अगर वो शिप नॉर्मल स्पीड से चले तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस से पहुंचने में 2 घंटे लगते हों, लेकिन हवा के प्रेशर की वजह से वो शिप 2 घंटे के बजाय 1 घंटे या उससे भी हो सकता है कम में पहुंच जाते थे। इसलिए ट्रेडर अक्सर मानसूनी वेंड का इस्तेमाल करते थे, मानसून का वेट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह दूसरी जगह जाने में बहुत ही आसानी होती थी, बहुत ही कम टाइम में वो पहुंच सकते थे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट एशिया और अरेबिया, दे चूज सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल, अगर वो उन्हें सबसे अच्छी बात है कि अगर वो जाना चाहते थे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है, किसी भी सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी अगर तट के तरफ वो जाना चाहते थे फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका से वो पश्चिमी तट की तरफ कभी भी अगर सफर करना चाहते थे, पसंद करते थे, उस कंडीशन में वो क्या करते थे, वो रवाना होते थे किस चीज के साथ, विद द साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का वो इंतजार करते थे, उसके साथ वो लोग अपने शिप को रवाना करते, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी किसी भी मानसूनी हवाओं की वजह से या मानसूनी वेदर की वजह से वो अपने शिप के थ्रू बहुत ही जल्दी किसी जगह पहुंच जाते थे, ठीक है। एंड स्टडी शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और उस तरह के शिप जो है वो बनाए जाते थे ताकि लंबी लंबी जर्नी मिलों मील दूर, मिलों नॉटिकल मील तक कह सकते हैं शिप को ले एक जगह दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता था। तो ये था रीजन, जो जितने भी ट्रेडर्स थे वो बेसिकली ट्रेड व्यापार यानी कि वो जो प्रीसियस चीजें जो हुआ करती जिसका डिमांड रोम में था, लाइक ब्लैक गोल्ड की बात करें, उसके वो लोग क्या करते थे, वहां जाते थे बेचते थे, बदले में वहां से सोने के सिक्के लाते थे जो कि बेसिकली साउथ में देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, वो सी रूट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, या तो बे ऑफ बंगाल की बात करें या अरेबियन सी की बात करें। हाँ, और किस तरह से अभी अपने सी का इस्तेमाल करते थे, रूट का इस्तेमाल करते थे, वो हमने देखा कि मानसूनी वेदर का वो इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत ही जल्दी पहुंच सकते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, ठीक है, न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। लेकिन वो जब सफर करते थे एक जगह दूसरी जगह तो बहुत सारे नए नए किंगडम्स यानी साम्राज्य जो है वो भी देखने को मिलते थे, जो कि बेसिकली तटीय इलाकों यानी कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते थे, ठीक है। इसके बारे में क्या है जरा पढ़ते हैं। कह रहा है द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड यस विद हिल प्लेटू एंड रिवर्स वैली, अमंगस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अगर हम बात करें अपने कॉन्टिनेंट की तो इसके जितने भी दक्षिणी भाग हैं वो बेसिकली तटीय इलाकों से घिरे पड़े हैं, यानी कि तीन साइड से समुद्र है। तो कह सकते हैं द सदर्न हाफ यानी कि दक्षिणी आधा भाग जो है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये लंबी तट रेखा से जुड़ी हुई है, एंड विद हिल प्लेटू एंड रिवर वैली। और इतना ही नहीं, बहुत सारे हिल प्लेटू और रिवर वैली से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अमंगस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी द मोस्ट फर्टाइल, और जितने भी रिवर वैली है उसमें से कावेरी जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल रिवर वैली है। चीफ एंड किंग हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड
पावरफुल यस। और जो भी चीफ या फिर किंग यानी कि जो मुखिया या फिर कह सकते हैं राजा इन रिवर वैली को कंट्रोल करता था, उस पर रूल करता था, वो बहुत ही पावरफुल एंड रिच होता था, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस थे वो इन रिवर वैलीज में रहते थे, चाहे वो कावेरी ही क्यों ना हो, ठीक है। और वो जो राजा या मुखिया जो हेडमैन था जो इस पर कंट्रोल करता था वो बहुत ही पावरफुल साथ रिचेस्ट पर्सन में काउंट होता था। आगे कह रहा है संगम पोयम मेंशन द मुवेंदर एक संगम पोयम जो है उसमें मुवेंदर का जिक्र किया गया है। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ। अच्छा, मुवेंदर का मतलब होता है मुवेंदर कह सकते हैं, जो कि तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री चीफ यानी तीन मुखिया, तीन मुखियाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यूज फॉर द हेड टू द थ्री रूलिंग फैमिली। और बेसिकली वो तीन जो मुखिया थे वो अलग अलग तीन रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन कौन से थे जरा देखें। फर्स्ट वन इज द, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, फर्स्ट वन इज द चोलास, ठीक है, चेराज एंड पांड्यान। यस, अब मैप 7 पेज नंबर 113 पे देखोगे तो ये सारे डायनेस्टी आपको वहां देखने को मिलेंगे। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर अगो, यानी 2300 साल पहले की बात है। ये जो चिफ्टेंस थे, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल होते थे। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया, बेसिकली साउथ इंडिया यानी कि इनका दबदबा जो था वो दक्षिण भारत में था। कौन कौन से थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यांस, ये तीन ऐसे डायनेस्टीज थे, रूलर्स थे, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही पावरफुल थे। और ये बात कब की बात है, लगभग 2300 साल पहले की बात, ठीक है। Each of the आगे कहता है, each of three chiefs had two center of power, one island, sorry, inland and one of the coast, बिल्कुल। और हर जो तीन चीफ थे उनको दो एरिया मिला था, बेसिकली दो सेंटर्स थे उनके, किस चीज के, पहला जो था वो इनलैंड था यानी कि भूभाग जो था, और वन ऑफ एंड वन ऑन द कोस्ट यानी दूसरा जो है तटीय इलाका जो भी समुद्र से घिरे पड़े थे। ऑफ द सिक्स सिटीज टू वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, जिसमें से छह शहर प्रमुख थे, जिसमें दो छह शहरों में से दो शहर जो थे सबसे प्रमुख थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे, फुहार और कावेरी पट्टनम, फुहार और कावेरी पट्टनम ऐसे दो शहर थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई इज द कैपिटल ऑफ पांड्याज, जी इसमें से जो पोर्ट एक जो था वो चोल वंश का जो पोर्ट हुआ करता, पोर्ट यहाँ जहाँ की वो बेसिकली ट्रेड के माध्यम से दिखा रहा था, और दूसरा जो था मदुरई जो कि पांड्यान जो वंश के लोग थे उनका कैपिटल यानी कि उनका राजधानी हुआ करता था मदुरई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। और बिल्कुल उस समय रेगुलर टैक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, टैक्स जितने हैं कर जिसे कहते हैं हिंदी में, रेगुलर नहीं हुआ करता था, बल्कि रेगुलर टैक्स ना लेके जो चीफ थे वो डिमांड करते थे किस चीज के लिए, गिफ्ट के लिए, तोहफा के लिए, लोगों से कहते थे आप आओ जब हमारे पास तो बदले में टैक्स के बदले में टैक्स ना देके कुछ तोहफा कुछ उपहार के तौर पर मुझे देकर जाओ, ऐसा वो डिमांड करते थे किंग्स। ओके, दे आल्सो वेंट टू, नॉट किंग्स, चीफ की बात हो रही है, दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया, दे कीप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्ट अमंग द सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। यस, और वो उसमें आगे की बात करें तो कहता है दे कीप्ट सम ऑफ द वेल्थ, ठीक है, जितने भी उपहार के तौर पर जो धन संपत्ति जो मिलती थी वो क्या करते थे, वो अमंगेस द पीपल, वो लोगों में सपोर्टर्स यानी जो उनके सपोर्टर्स थे उनमें बंटवा देते थे। जो चीफ जो थे वो मोस्टली अपने पास रखते थे और जो बचता था उसे अपने सपोर्टर्स में कौन कौन आते थे, इंक्लूड मेंबर ऑफ द फैमिली, से फैमिली मेंबर भी हुआ करते थे उन्हें वो लोग प्रोवाइड करते थे, साथ साथ सोल्जर्स जो सेना उस चीफ के लिए काम करती है, उस किंग या उस किंगडम के लिए काम करती है उसमें बंटवाती थी, एंड द पोएट्स, यस पोएट यानी कवि, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किंग एंड किंगडम के लिए हुआ करता था। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in the praise of chief who collection praise of chief who often rewarded with the precious stone, gold, horse, elephant, chariots and fine clothes। और बिल्कुल ये सच बात है, कह रहा बहुत सारे ऐसे कवि थे, बहुत सारे poets थे
ठीक है, हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द जीन, वो बहुत सारे रचनाएं करते थे, कवि लिखते थे, संगीत रचना करते थे, और वो सारे चीजें जो थी बेसिकली संगम कलेक्शन जो था, यानी संगम एक ऐसा था जिसमें बहुत सारे कलेक्शन, वेरी वैरायटी ऑफ कंपोजिशन, वैरायटी ऑफ पोएम जो है उसमें मिलते थे, ठीक है, और जो और जिसमें बेसिकली चीफ के बारे में बताया जाता था कि चीफ की गाथा गाई जाती थी, उनकी प्रशंसा की जाती थी, बदले में उन्हें क्या मिलता था, हु कलेक्ट कंपोजिट, यहाँ कह रहा है संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन द प्राइज ऑफ चीफ हु ऑफन रिवार्डेड देम, और जो चीफ थे बदले में उन्हें रिवार्ड देते थे, किस चीज के रिवार्ड, प्रीशियस स्टोन यानी बेशकीमती पत्थर दिया करते थे उन चीफ सॉरी उन पोएट्स को, जो पोएट उन राजाओं उन चीफ के बारे में गाथाएं लिखते थे, उनका कॉम्पोजिशन लिखा करते थे, प्रीशियस स्टोन देते थे उनके राजा कवियों को, प्रीशियस गोल्ड देते थे, बदले में हॉर्सेस भी देते थे कभी कभी, तो एलिफेंट चैरिट्स यानी हाथी और रथ वगैरह दे दिया करते थे, एंड फाइन क्लॉथ्स यानी उत्तम क्वालिटी के कपड़े भी उन्हें मिला करते थे। यस, आगे बात करता, अराउंड 200 ईयर लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सतवाहंस, लगभग 2 साल के बाद की बात है, एक नया वंश जो है जिसको सतवाहन के नाम जानते हैं बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया, हाँ पश्चिमी भारत की बात करें तो एक नया डायनेस्टी यानी नया वंश था जिसका नाम था सतवाहन, सतवाहन जो कि बहुत ही आगे चल के बहुत पावरफुल वंश के नाम से जाना जाएगा, इसको भी आप 100 पेज नंबर 113 पे मैप 7 में देख सकते हो, सतवाहन वंश बेसिकली कहाँ पे रूल करते थे आपको दिखेगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहन वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, यस, जिस सतवाहन वंश के जो सबसे पावरफुल रूलर थे, ठीक है, वो जिनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सेंटेंस को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जी हाँ, इनके बारे में कैसे पता लगता है, इनके मदर के लिए जो कंपोजिशन तैयार किया गया था, ठीक है, मदर के बदले में, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री, जिनके मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, उनके बारे में जो गाथाएं इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती हैं उसमें इनका भी जिक्र है, किनका, श्री सतकर्णी का, जो कि गौतमी बालाश्री के बेटे थे। He and other सतवाहन rulers were known as Lord of the दक्षिणपथ, और हाँ वो जितने भी यानी कि बात करें श्री सतकर्णी की बात करें वो या फिर और भी उनके साथ जितने भी रूलर थे उनको एक नए नाम से जाना जाता था जिसका नाम था दक्षिणा पथ, दक्षिण पथ यानी साउथ का रूट कह सकते हैं, इसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ मैं, लिटरली द रूट ऑफ लीडिंग टू द साउथ, यस, लिटरली द जो कि दक्षिण के पथ को दिखाता है, इंडिकेट करता है, उसे दक्षिण दक्षिण पथ के या दक्षिणा पथ भी कह सकते हैं, राइट, विच हैज ऑल्सो यूज टू नेम ऑफ द एंटायर साउदर्न रीजन, हाँ बेसिकली साउदर्न रीजन को दक्षिण जितने भी पथ थे जो दक्षिण की तरफ जाते थे दक्षिण भाग में पड़ते थे उसके नेम को हम लोग दक्षिण दक्षिणा पथ के नाम से जानते थे, राइट। कहता है ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट, और इतना ही नहीं ये अपने यानी ये यानी कि रूलर के बारे में बात हो रही है, वो अपने आर्मीज को किन किन दिशाओं में भेजता था, ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी जितने भी तटीय इलाके थे वहां पे अपने ये आर्मी को भेजा करता थे, ठीक है, जो वहां के रूलर थे। लेकिन इसके बाद आगे बात करें द स्टोरी ऑफ द सिल्क रोड की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि सिल्क रोड का एक्चुअली स्टोरी क्या है। लेट्स सी, द रिच ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यू फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज, यस, मेकिंग सिल्क अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बात आ रही है सिल्क की, तो कहीं ना कहीं सिल्क का जो टेक्सचर था बनावट थी उसकी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मूथ मुलायम हुआ करती थी, और इतना ही नहीं इसमें जो फैब्रिक इस्तेमाल होता था वो हाईली वैल्यू, उसके जो फैब्रिक का इस्तेमाल होता था उसकी डिमांड बहुत ही, वो बहुत ही वैल्यूएबल थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्रीशियस चीज यानी सिल्क को बहुत ही प्रीशियस माना जाता था, और इतना ही नहीं कह रहा है मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और सिल्क को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, उलझन भरा प्रोसेस था, वो इतना आसान नहीं था जितना कि आम लोग जो समझ सकें, ठीक है।
कहते हैं रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। और हाँ, जो कच्चा सिल्क का प्रोडक्ट है, वो जो कच्चा सिल्क का जो प्रोडक्ट बनाने का जितने भी चीज है, वो कहीं ना कहीं किसी से मिलते हैं, सिल्क वर्म किसी से कोकून से मिलते हैं, जो कि सिल्क वर्म में बेसिकली देखने को मिलते हैं, स्पॉन इंटू थ्रेड एंड देन वोवन इंटू द क्लॉथ, और बाद में उसकी कताई करके एक धागा बनाया था, धागा बनाकर उसके कपड़े को बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी कि कह सकते हैं जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है, टू मच डिफिकल्ट है, सबके लिए वो संभव नहीं था कि सिल्क को कुकून से निकालकर, जो कि सिल्क वॉर्म में रहता है, वहां से निकालकर थ्रेड बनाओ, थ्रेड बना के कपड़े में ढाला जा सके। लेकिन सिल्क का डिमांड बहुत था, सिल्क का वैल्यू बहुत था, क्योंकि सिल्क जो है उसके कह सकते हैं मखमली टेक्सचर की वजह से, या फिर जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उसका बहुत वैल्यूएबल होने की वजह से सिल्क का डिमांड बहुत ज्यादा था, और ये हर किसी की बस की बात नहीं थी कि उसके सिल्क को बनाया जा सके। लेकिन कहता है टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर अगो। बिल्कुल सिल्क को सिल्क से निकालकर कपड़े बनाने का जो टेक्निक था या सिल्क का कह सकते सिल्क को बनाने का जो टेक्निक था, वो लगभग सबसे पहले चाइना में इन्वेंशन हुआ था लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। व्हाइल द मेथड्स रिमेन आज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर, सम पीपल ऑफ चाइना हु वेंट टू द डिस्टेंस लैंड ऑन फुट हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स कैरीड सिल्क विद देम। और लगभग कई सालों तक, कई लंबे सालों तक सिल्क को बनाने का जो तरीका था उसे बहुत ही सीक्रेट यानी खुफिया रखा गया था, बहुत ज्यादा लोगों तक एक्सपोज नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, सिल्क को लाने के लिए जो सिल्क मेकर जो थे वो कई कोसों दूर, मीलों दूर जाया करते थे, इवन कह सकते कि बहुत दूर जाया करते थे, यहाँ तक कि चाइना जाते थे। हु वेंट टू द डिस्टेंस लैंड ऑन फुट, यानी कभी कभी तो पैदल चल के जाया करते थे, ठीक है, हॉर्सबैक कह सकते घोड़े की पीठ पर बैठ के जाते थे, ऑन कैमल्स कभी कभी ऊंट का इस्तेमाल होता था, कैरी सिल्क विद देम, और इन सब चीजों का इस्तेमाल करके वो सिल्क को अपने साथ लेकर आते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही टिपिकल वर्क था कि आप मीलों मील दूर चलकर जाओ, ठीक है, या तो कभी कभी पैदल चल के जाते थे, कभी कभी घोड़ों का इस्तेमाल होता था, घोड़ों की पीठ पर बैठ के, कभी कभी ऊंटों का इस्तेमाल होता था, इन सब एनिमल्स के माध्यम से जाकर वो सिल्क को लेकर आते थे, ठीक है। आगे कहता है दिस पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज सिल्क रोड। और हाँ, जिस रास्ते को वो ट्रेडर्स वो जो थे अलग अलग मीडियम से जाते थे सिल्क को लाने के लिए, जिस रोड को, जिस पाथ को फॉलो करते थे, आगे वही चल के सिल्क रूट के नाम से जाना गया। सिल्क रूट मतलब अभी आप लोगों को लगता है स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, यानी कि सिल्क रूट की बेसिकली यही कहानी थी कि सिल्क बहुत ही हाईली डिमांडेबल थी, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल चीज होते थे उसको बहुत वैल्यूएबल चीज होती थी, जिसकी वजह से सिल्क का डिमांड बहुत ज्यादा था, और ट्रेडर्स बहुत दूर दूर जाकर बेसिकली सिल्क का इन्वेंशन जो है सबसे पहले चाइना में 7000 साल पहले हुआ था। ट्रेडर्स दूर दूर पैदल मीलों दूर कोसों दूर जाकर सिल्क को जो प्रोडक्ट है उसे लेकर आते थे, कभी कभी घोड़ों के पीठ पर बैठ कर जाते थे, कभी कभी बूट का इस्तेमाल होता था, और इस रास्ते से वो सिल्क लेकर अपने साथ लेकर आते थे चाइना से, ठीक है। और जिस रूट को वो फॉलो करते थे, जिस पाथ को वो फॉलो करते थे, बेसिकली आगे चल के वही सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। आगे कहता है समटाइम चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ कह रहा है समटाइम चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू द रूलर ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया। जो चाइना के जो रूलर थे, चाइना के शासक थे, वो लोग कभी कभी क्या करते थे कि वो लोग ईरान एंड वेस्ट एशिया के जो रूलर थे उनके लिए सिल्क को गिफ्ट में ले दिया करते थे, तोहफे के उपहार के तौर पर सिल्क यानी सिल्की चीजों को देते थे, चाहे वो कपड़े की बात हो या सिल्क का बात हो। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और हाँ, वहीं से जो सिल्क का नॉलेज है यानी कि वेस्ट यानी पश्चिमी में स्प्रेड होता गया, फैलता गया, क्योंकि जो चाइना के रूलर्स थे वो ईरान और एशिया के रूलर्स को तोहफे के तौर पर सिल्क दिया करते थे, और वो जब वहाँ के रूलर जब इस चीज़ को रिसीव करते थे, देखते थे कि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के जो कपड़े हैं, कपड़े या फिर सिल्क है, इसका बहुत इस्तेमाल होता था, तो बाद में धीरे धीरे करके ये पश्चिम में स्प्रेड होता गया और इसका डिमांड बढ़ता गया। फिर कहता है अबाउट 200 ईयर अगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस्ट द रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। यस, अगर 2000 साल के बात करें तो लगभग अबाउट 2000 साल पहले की बात करें, वियरिंग सिल्क यानी सिल्क पहनना ये एक सिंबल हो गया था, सॉरी सिल्क पहनना एक सिंबल हो गया था, यानी कि
जो इंसान सिल्क पहनता था वो कहीं ना कहीं या तो वो राजा होगा या फिर बहुत रिचेस्ट पर्सन होगा, क्योंकि सिल्क अफोर्ड कर पाना उस समय हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये बहुत ही हाईली डिमांड था, कहां? रोम में, ठीक है। और अगर जो पहनते थे वो या तो राजा हुआ करते थे या तो बहुत धनी मनी व्यक्ति में कंसिडर किया था। ये बेसिकली रोम में ऐसा होता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हार्ड had to be brought all this way from China along dangerous road throughout the mountains and desert. People living along the route on demanded payment of a long trade to pass through. और हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल उस समय एक्सपेंसिव हुआ करता था, क्योंकि ये जिस रास्ते से लाए जाते थे वो रास्ते बहुत ही डेंजरस थे। कभी कभी तो माउंटेन्स कभी कभी डेंजरस होकर गुजरने पड़ते थे। और इतना ही नहीं, पीपुल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट, और जो लोग उस सिल्क रूट में रहते थे, यानी कि अलोंग द रूट यानी कि सिल्क रूट की बात कर रहा है, जो उस लोग उस रूट में रहते थे वो लोग पेमेंट का डिमांड करते थे। अगर इस रास्ते से होकर गुजरना है, सिल्क लेकर जाना है, तो बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। यानी ट्रेडर से वो लोग वहां के लोग जो थे वो डिमांड करते थे कि मुझे पैसे दो वरना मैं इस रास्ते से गुजरने नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी जानते थे इस जो सिल्क रूट था ये कितना वैल्यूएबल था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है लुक एट मैप 6 पेज 84-85 राइट, which show the silk route and its branches. Yes, अगर आप page number 84-85 देखोगे तो आपको silk route और उसके branches देखने को मिलेंगे। Some king tried to control large portion of the route. Yes, this was because they could benefit from tax tribute and gifted where the brood of trader traveling along the route. Yes, in return they often protected the traders who passed through the kingdom from attack by the robbers. Yes, और इस रूट की खास बात ये थी कि बहुत सारे रूलर्स ये चाहते थे कि इस रूट पे मेरा अपना कब्जा हो। ये सिल्क रूट की अगर बात करें तो सिल्क रूट पे मेरा अपना कब्जा हो और इस पे मेरा और सिर्फ मेरा कंट्रोल हो। बदले में क्या होगा, यहाँ से गुजरने वाले जितने भी ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं राजा को ट्रिब्यूट देते थे। ट्रिब्यूट में कह सकते हैं या फिर टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे, जिससे जो कि बहुत ही फायदे का सौदा था। इसलिए हर किंग हर रूलर चाहता था कि मैं इस रोड पे मेरा अपना कंट्रोल हो। हाँ, उस टैक्स के बदले में रूलर भी ट्रेडर्स को कुछ प्रोवाइड करता था, वो था प्रोटेक्शन। जो ट्रेडर्स सिल्क को लेकर उस रूट से गुजरा करते थे वो राजा को टैक्स देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, गिफ्टेड देते थे, गिफ्ट देते थे। बदले में राजा उन्हें प्रोटेक्शन देता। प्रोटेक्शन किस चीज से? तो कहीं ना कहीं जितने भी रॉबर्स थे, यानी कि जो रॉबर्स जो चोरी करने वाले डकैत थे, उनसे प्रोटेक्शन राजा प्रोटेक्ट करता था। उन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करता था ताकि उनके उनकी जो सामान उस रूट से गुजरते वो चोरी ना हो जाए। वो इतने प्रीसियस यानी सिल्क को जो लेकर आ रहे हैं उस पर किसी तरह का हमला रॉबर्स ना कर दे, तो ये बदले में राजा उन्हें प्रोवाइड करता था। ठीक है, द बेस्ट नोन ऑफ द रूरल वार कंट्रोल ऑफ सिल्क रूट वेयर द कुशांस। यस, और अगर सिल्क रूट पे जितने भी राजा कंट्रोल किए उसमें जो अगर सबसे कोई बेहतर था वो थे कुशांस, हु रूल ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। लगभग 2000 साल पहले की इनका कंट्रोल था किस पे? सेंट्रल मध्य एशिया पे एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत पे इन कुशानों का कब्जा हुआ करता था, या कह सकते हैं शासन हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा, और बेसिकली दो सेंटर हुआ करते थे जहां पे इनका अपना सत्ता में पावर कह सकते पावर दमखम दिखता था। यानी सेंटर के बेसिकली कैपिटल या कैपिटल नहीं, यहाँ सेंटर कह सकते हैं, वो क्या था? पहला था पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, और दूसरा मथुरा जो कि हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तक्षशिला वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन देयर किंगडम ड्यूरिंग देयर रूल। अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। यस, अब यहाँ पे एक नया चीज कह रहा है कैपिटल में, इसने बोला तक्षशिला वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला भी एक किंगडम के रूप में उभर कर उस समय बाहर आया था। अभी हमने बात किया पेशावर और मथुरा का, लेकिन साथ साथ तक्षशिला भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और वो भी एक किंगडम के रूप में उभर कर बाहर आया। लेकिन ड्यूरिंग दियर रूल, उनके रूल के दरमियान की अगर बात करें, ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यस, ये जो सिल्क रूट का जो ब्रांच था, रूट था, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड बढ़ गया उनके शासनकाल में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी जो कुशांत थे उनके शासनकाल की बात करें, तो ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। सेंट्रल एशिया से लेके जो नीचे की बात करें तो इंडस यानी
इंडस रिवर थी वहां तक, यानी उसके मुहाने तक इसका सेंटर हुआ। फ्रॉम वेयर सिल्क वेयर शिफ्ट हुआ वेस्ट वार्ड टू द रोमन एम्पायर, जहां से इंडस रिवर से होकर जो रोमन एम्पायर तक सिल्क का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और ये सब होने लगा। द कुशांस वेयर ऑलमोस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड क्वाइन, और कुशांस जो थे सबसे प्राचीनतम रूलर में से एक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किया था। यस, मैं फिर से बता दूं, द कुशांस वेयर अमंगेस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन, ये सबसे प्राचीनतम रूलर में से, देश के प्राचीनतम रूलर में से एक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। दीज वेयर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट, और कहीं ना कहीं वो सोने के सिक्के जो है ट्रेडर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। किस पे? इस सिल्क रूट पे, सिल्क रूट की बात, सिल्क रूट पे ट्रेडर्स के थ्रू इस्तेमाल किया जाता था। आगे है द अगला टॉपिक बात करें तो द बुद्धिगम द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, और इतना ही नहीं, ये तो बात हो गई, हमने अभी बात की द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या था कैसे था, लेकिन जहां बात चाइना की हो रही हो, जहां बात नॉर्थ इंडिया की, सेंट्रल एशिया की बात हो रही हो, तो उस समय हम इस पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का भी फैलाव हुआ, यानी कि जो बुद्ध कम्युनिटी के लोग थे बुद्धिज्म को मानने वाले, उनका भी फैलाव बहुत ही स्प्रेड वाइडली हुआ एशिया में। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स राइट एंड द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, भक्ति की शुरुआत कब कैसे और कहां से हुई थी हम इस चैप्टर में जानेंगे राइट। तो आज हमने बेसिकली जो देखा इस चैप्टर में ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स में, हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ट्रेड कैसे फाइंड कीजिएगा और ट्रेडर्स कैसे खोजेगा, कैसे इनका ये हुआ। ठीक है, आगे हमने देखा द न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के आसपास में कौन कौन से नए किंगडम्स थे, उनकी क्या खासियत थी, उनपे कौन किसने रूल किया। ठीक है, आगे हमने देखा द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्क रूट का स्टोरी जाना, सिल्क रूट क्या है, उसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, उस रूट से क्या क्या चीजें और कैसे किसके थ्रू हुआ करती थी, जाया करती थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म। ओके,